पूर्णिया के लालगंज में सहदेव ऋषि की हत्या के आरोपियों को फांसी की सजा होनी चाहिए, अन्यथा वो जब भी बेल लेकर वापस गांव आएगा तो समाज के लोगों का जीना हराम कर देगा। मृतक सहदेव ऋषि के परिजनों एवं गाँव वालों ने ये मांग पूर्णिया SP से की है। लोगों का कहना है कि दोनों हत्यारा सुधरने वाला नहीं है, इसलिए उन लोगों को फांसी ही होनी चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने गांव वालों को काफी परेशान किया है, पहले भी कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया है। गांव वालों ने कहा कि सहदेव ऋषि के हत्यारे को किसी भी कीमत पर फांसी से कम की सजा नहीं होनी चाहिए। कहना चाहते हैं यही बात की उनको सजा होना चाहिए, फांसी होना चाहिए। किन को? वो जो शीतल दास और पिंटू जो है वो तो पकड़ा गया ना। हाँ पकड़ा गया है, सजा उसको होना चाहिए। तो हम लोग मांग वही करते हैं, उसको फांसी कर दीजिए। फांसी होना चाहिए। हाँ निकलेगा तो यारे उत्पात करेगा। निकलेगा तो और परेशान करेगा। परेशान करेगा। वो लुच्चा है, चुचन्नर है, गुंडा है, आतंकवाद है। वो समाज को परेशान करता है। हाँ समाज को परेशान करता है, देखना चाहता है, लेकर घर वो चलता है, मार देगा, काट देगा, काट देगा, धमकी देते रहता है। आप लोग क्या चाहते हैं कि उसको? हाँ उसको सजा दीजिए, फांसी फांसी मिलना चाहिए। हाँ लौट के नाम सरी आना चाहिए। खतरनाक आदमी है। सहदेव को जो मर्डर हुआ है उसको फांसी को सजा होना चाहिए। होना चाहिए। पिंटू शीतल को, पिंटू को पकड़ी है तो सजा होना चाहिए। वो परेशान करता है, वो मर्डर किया है, वो यहाँ चढ़ना नहीं चाहिए। कि सरकार हम लोग को चाहिए, हमारा बात है, हमारा सबको पब्लिक को बात रख कर को कि हम लोग को सजा चाहिए, एकदम फांसी सजा चाहिए। इससे मांग कर रहे हैं हम कि घूर के आवेगा फिर भी कचरा मार्डर करेगा नहीं करेगा, हर वक्त संभाल लेगा, हथियार नहीं चलता है बाबू। अच्छा। मैं देखिए 2 मार्डर 3 मार्डर कर दिया, ये 2 लड़की छिड़छाड़ कर दिया, धार को मुसहर को, और फिर भी 2 लोग को टका पैसा 2000 कर को छीन को 3 लोट देखा कर को ले लिया, मेरा बस्ती मेरा जात। हाँ वो अपने गोतिया को बेटा को मार बाजार में बोला कर, जैसा हमारा बेटा बोला कर को मारा है वैसे उसी को बोला कर को एकांती में कहाँ पर गाड़ी ले जाकर को ठोकर लगा गिरा दिया और उसको गाड़ी लोग चूर लिया। वैसे हमारा बेटा बोला कर को छिड़छाड़ कर को काट घूट कर हत्या कर दिया, कोकड़ी फोड़ दिया, गोड़ तोड़ दिया, हाथ तोड़ दिया, ये अटालक चूर दिया, बदन गट्टे पूरा शरीर चूर दिया, कान से खून चलता था तो यहाँ से गला तो रहते चलता। वो जो दोनों पकड़ाया है शीतल, ये दोनों बदमाश है। हाँ। अच्छा क्या आप लोगों को क्या डर लग रहा है कि अगर वापस आएगा तो परेशान करेगा? पूरा डर जब इतना बस्ती में मुसर में हरिजन वो हत्या कर दिया तो फिर और कहने डर लगेगा सर, चाटा पाटा मर्डर किया कहने डर लगेगा, इतना बड़ा बस्ती में उसको और मर्डर कर देगा, फिर मर्डर करेगा, आने से और मर्डर कर सकता है सर, आएगा तो और मर्डर करेगा। हाँ जिस आदमी का वो जो सब जवाब दिया है ना वो सब का मर्डर करेगा, कुछ कुछ की धमकी उनके दिया है। हाँ धमकी दे दिया है, कुछ बताएगा तो हम लोग निकलेंगे तो तुम लोग का पलक देख लेगा, ऐसे बोला ऐसे बोल के दिया है। तो आप लोग क्या चाहते हैं, उसको फांसी हो जाए? एकदम फांसी सर, एकदम फांसी। वो आएगा तो आप लोग को फिर परेशान करेगा? हाँ एकदम परेशान करेगा, माँ बहन का सब परेशान करेगा। वो उनका भाई बाप है तो उनका अपना है तो सर बर्दाश्त करते आ रहा है, वो अपना आदमी छुपाने काम करते आ रहा है, हम लोग तो नहीं करेंगे सर। पुलिस को तो मैं बधाई देना चाहूँगा कि वो बहुत सूझबूझ के साथ, हमारा थाना प्रभारी बड़ा बाबू हैं मिथिलेश बाबू जो कि उसको पकड़े हैं, उसको धन्यवाद देना चाहते हैं। मेरा भाई का जो हत्यारा है शीतल दास और पिंटू दास, इन दोनों को फांसी की सजा होना चाहिए सर, क्योंकि इससे पहले क्या है कि मेरे पंचायत में कितना छोटा छोटा घटना दे चुका है, वो कितना लड़की कितना महिला के साथ में गलत संबंध बना चुका है और कोई उसका आवाज़ उठाता है तो उसको लपड़ थप्पड़ ईटा पीटा दे के मारना शुरू करता है। वो उसका वो जब
पिंटू दास शीतल दास जो उसको आए दिन पहले कई बार इस तरह घटना कर चुका है वो। अच्छा। वो लोग का पेशा ही है ये। अच्छा। पता पति करते करते अचानक छोटा छोटा घटना करते करते बड़ा बड़ा घटना करना शुरू कर दिया। तो आपको आप लोगों को क्या डर लग रहा है वापस आएगा तो? जी आने के बाद फिर कोई न कोई घटना का अंजाम देगा ही वो। धमकी वगैरह दिया है? जी धमकी वगैरह। जिस दिन मेरा भाई को हत्या हुआ उससे मेरा माँ मुझे बात को छुपा दिया। मेरा माँ बोल रहा था कि तुम्हारा भाई के साथ में वो 7 दिन पहले करीब पहुँच भी क्या था मेरे घर पर आकर के। मेरा भाई को बोल रहा था खर्चा पानी कीजिए साधिव जी। मेरा भाई खर्चा नहीं किया तो सुनते मेरा भाई को यहाँ पर मेरा दरवाजे पर ही वो गाली गलौज करके गया था वो। जी तो आप लोगों को डर लग रहा है कि अगर उसको सजा नहीं हुई तत्काल और वापस अगर आ गया बेल लेकर के तो यहाँ परेशान करेगा? बहुत परेशान करेगा सर। पूरा पूरा पंचायत सर, पूरा पंचायत का आदमी इस बात के लिए तो तैयार है सर। उनको सर बेल नहीं होना चाहिए, उनको सजा होना चाहिए। कोई ना कोई घटना को कर ही देगा।